फ्रेंड से हटकर एक नया चीला बनाने जा रहे हैं। ये मैंने मूंग अच्छे से साफ़ करके उसे पिसवा लिए, उसका आटा बनवाया। मैंने ये 4 चम्मच भर के आटे लिए हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच क्रिस्पी बनाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा डाला है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने जीरा और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और हम चुटकी भर हींग डालेंगे इसमें और हम 1.5 चम्मच जितना नमक डालेंगे। और अभी हमने ये बारीक मिर्ची, थोड़ी सी अदरक चॉप करके रखी, मिर्ची चॉप करके रखी है, कोथिंबीर चॉप करके रखी है और थोड़ा सा पुदीना चॉप किया है। इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब हम इसमें मिला देंगे। इसे अच्छे से हिला देंगे। और अभी हमने 1 गिलास पानी लिया है, उस पानी से हम इसका बैटर बनाएंगे। हमारा बैटर 1 गिलास पानी में ये थोड़ा थिक है, हम इसमें थोड़ा पानी और अप्लाई करके उसे थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी देंगे। इस तरह से हिला के इसे रनिंग कंसिस्टेंसी देंगे। हमने निर्लेप दवा लिया है, उस पर मैंने तेल अप्लाई किया हुआ है, उसे थोड़ा सा दिया है। अब इसमें हम जो मूंग के दाल का बैटर बनाया है वो डालेंगे। ऐसे गोल घुमाते हुए ही डालना है, हम क्यों ये चीला गोल बनाना है। और इसे इस तरह डाल के चारों तरफ से फैला के अच्छे से गोल करेंगे। लगे तो थोड़ा वाटर आप किनारे से डाल सकते हैं और इसे एकदम अच्छा शेप दे सकते हैं। मैं यह टमेटो सॉस, चिली टमेटो सॉस मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ टेम्पटिंग टेस्ट के लिए। तो उसके बाद मैं हरी, जो मैं कोथमीर और पुदीना की चटनी में पीस के रखी है, वो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। इस पे मैंने पनीर को ग्रेट करके डाल दिया ग्रेटर से। ये बहुत जल्दी अपने आप ही निकल जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है, निर्लेप के कारण ये चिपकता नहीं है। लेकिन हम इसे थोड़ा फास्ट गैस नहीं करेंगे और इसे लाल होने देंगे। इसे हमने पलट दिया, इसे दोनों तरफ से अच्छा लाल सेकना है, तभी हमको मूंग का स्वाद अच्छा आएगा। यह जैन रेसिपी है और इसे आप बहुत इजीली बना सकते हैं घर पे। यदि आपके पास मूंग का आटा नहीं है तो आप मूंग को भिजा कर उसे घर पे ही मिक्सर 7 से 8 घंटे भिजा देना है और मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उस बैटर से भी आप बना सकते हैं। देखिए हमारा चीला एकदम लाल हो गया है और हम इसे खाने के लिए प्लेट में ले लेंगे। हमारा चीला दोनों तरफ से लाल हो गया है, अब हम इसे खाने की प्लेट में डालेंगे और इसे हम सॉस और इमली की चटनी, मीठी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। हरी चटनी हमने इसमें लगाई हुई है,
और पुदीना और कोथमीर डाला है, इसलिए हरी चटनी यदि आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये इमली की मीठी चटनी और सॉस के साथ अच्छा लगता है। यह सॉस मैंने नो ऑनियन नो गार्लिक किसान सॉस लिया है। धन्यवाद, मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ।